नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर नंबर एक लेकर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, याद रखना आपको आपके एग्जाम से पहले यानी लगभग 1.5 महीने का टाइम है आपके एग्जाम में, तो लगभग आपको 100 टेस्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, 100 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और याद रखिएगा 10 जनवरी 2023 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। 10 जनवरी से आपका पेपर शुरू है, तो आज से ही मॉडल पेपर स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो जाए। तो दोस्तों जीके जीएस का ये मॉडल पेपर नंबर एक है, और पिछले साल 2019 में 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर दोस्तों मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, बेहतरीन है, जबरदस्त है। तो दोस्तों अगर देखिए पहली बार क्लास में आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर मॉडल पेपर का हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सभी साथी कमेंट करके बोलना अब की बार एसएससी जीडी पार। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, 5 सेकंड का वक्त मिलेगा दोस्तों आपको। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लगेगा, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिएगा सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। 30-30 क्वेश्चन के मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, 30-30 क्वेश्चन के, ठीक है, रोजाना 2 से 3 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे रोजाना। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, बाइबिल है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। याद रखिएगा ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ दोस्तों बाइबिल है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी। जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन भी इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी, रूस में हुई थी दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति कहां, रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रूस, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, गुजरात राज्य में अवस्थित है, याद रखना गिर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में अवस्थित है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया था 1961 में किया गया था, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1961। नेक्स्ट, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, डी के कार्वी ने की थी दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कार्वी ने की थी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी के कार्वी। नेक्स्ट, कतर देश की राजधानी कहां है, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कतर देश की राजधानी पूछा है कहां पर स्थित है दोस्तों, कतर देश की राजधानी दोहा में है, कहां है, दोहा में है कतर देश की राजधानी, याद रखिएगा कतर देश की राजधानी कहां है, दोहा में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आ जाए कि कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कतर देश की मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तुर्की देश की राजधानी कहां स्थित है, तुर्की देश की राजधानी कहां है बताएगा, जबरदस्त है, तुर्की देश की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा, तुर्की देश की राजधानी अंकारा में है, कहां है, अंकारा में है तुर्की देश की राजधानी, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। और तुर्की देश की मुद्रा का नाम लीरा है, लीरा नाम है मुद्रा का, याद रखना तुर्की देश में, ठीक है। नेक्स्ट, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्लास को लाइक नहीं किया है ना, एक बार जल्दी से सभी मेरे साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और रोजाना दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर लगाइए। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय दर्शन के क्षेत्र में, संस्कृति में, और कला में, इन सभी में दिया जाता है, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ दोस्तों, तो याद रखना चीन देश में हुआ गोला बारूद का पहला प्रयोग, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है,
गोला बारूद का पहला प्रयोग हुआ दोस्तों चीन में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। ठीक है, नेक्स्ट महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है दोस्तों महाप्रयाण घाट। ठीक है ना जी, हाँ मेरे साथियों अच्छे से याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है, तो महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों, तो वीर भूमि नाम है, वीर भूमि नाम है राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम। गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों, तो गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, नारायण घाट। और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के दोस्तों समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, राज्य पूछा है, राज्य कौन सा है, राजस्थान है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चलेगा नेक्स्ट, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है दोस्तों राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में, 1913 में, लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है, सबसे दुर्लभ क्षार, सबसे दुर्लभ क्षार है अमोनिया। ठीक है, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है दोस्तों, अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, फटाफट देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में, 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में, 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया था, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया था, 1955 में किया गया था। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष कौन है प्लीज आप बताएंगे, रिक्वेस्ट, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, संस्कृति, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी होता है, याद रखना किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जीडीपी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है दोस्तों, जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, जो, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो, याद रखना। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, प्रत्येक टेस्ट को कंप्लीट लगाना है अगर एग्जाम क्रैक करना है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान योजना को कब शुरू किया गया, तो याद रखना 28 मार्च 2018 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान योजना को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा 1857 में हुई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। नेक्स्ट, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था दोस्तों, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक याद रखना एडोल्फ हिटलर था, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी का अणु भार कितना होता है, जल्दी से बताएगा, पानी का अणु भार,
पानी का अनुभार होता है 18 AMU. AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, यानी 18 है एटॉमिक मास यूनिट होता है पानी का अनुभार. सी ऑप्शन होगा राइट आंसर. नेक्स्ट है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है फ्लोरीन. फ्लोरीन होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व. ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लोरीन. नेक्स्ट, मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग. तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन. नेक्स्ट, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा. ठीक है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर. पित्त जमा कहां होता है? पित्ताशय में. नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों. बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना. रोजाना अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, जनवरी में आपका एग्जाम है, 10 जनवरी से ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मेरे साथियों आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. प्रत्येक पार्ट को लगाना है, हर जितने भी दोस्तों में मॉडल पेपर लेकर हूं सभी को लगाएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए अब की बार SSC GD पार. तो आज के लिए दोस्तों इस पेपर में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.